हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कमाई का हिसाब कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कमाई का हिसाब कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, रोहित रोज़ 350 रुपया यानी 350 रुपया कमाता है, तो वह 3 महीना 10 दिन में कितना रुपया कमा लेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें बोला है कि रोज़ 350 है, मतलब एक दिन में रोहित 350 रुपया कमा लेता है। तो पूछा है 3 महीना और 10 दिन में कितना कमाएगा। तो एक महीना में कितना दिन होता है, तो एक महीना में नॉर्मल 30 दिन। ठीक है, 30 दिन लेके हम चलते हैं। तो एक दिन में 350 रुपया कमा रहा है, तो 30 दिन में कितना कमा लेगा। 350 को 30 से गुना कर देंगे, तो 30 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 15 के 5 81 9 10। 10,500 रुपये वो 30 दिन यानी एक महीना में कमा लेगा। ठीक है, तो रोहित एक महीने में 10,500 रुपये कमाता है, तो 3 महीने में कितना हो जाएगा। 10,500 को 10,500 को 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 31,500 रुपया। 31,500 रुपया रोहित 3 महीने में कमा लेगा। हमें निकालना था 3 महीना 10 दिन, तो 3 महीने में आ गया 31,500 रुपया। अब 10 दिन का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक दिन में 350 रुपया कमा रहा है, तो 10 दिन में कितना होगा, 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,500 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 5 5 10 के 0 1 1 1 2 2 3 2 और 3 5 और 3, तो ये हो गया 35,000 रुपया। तो रोहित 3 महीना 10 दिन में 35,000 रुपया कमा लेगा।